हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वरलिपीज चैनल। आज की रेसिपी है एग ड्रॉप सूप। ये बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी रेसिपी है। तो चलिए ये एग ड्रॉप सूप की बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो पहले चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले चाहिए यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स। उसमें से मैंने यहाँ पे ग्रीन पीस यूज़ किया है, ये फ्रोजन बीन्स है, और स्वीट कॉर्न यूज़ किया है, ये भी फ्रोजन है। आप इसके जगह ब्रोकोली, कॉलीफ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फ्रेश कैरेट लिया है, उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। बीन भी मैंने फ्रेश लिया है, पीस कर लिया है छोटे छोटे पीसेस में। सॉल्ट, ब्लैक पेपर एंड डार्क सोया सॉस भी यूज़ किया है। और मैंने यहाँ पे 2 बड़ा सा एग लिया है, और ये है कॉर्न स्टार्च। आपके पास कॉर्न स्टार्च ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं एक बड़ा सा बर्तन ले लूंगी, उसके अंदर हम डाल देंगे करीब 1 लीटर वाटर। आप वाटर की जगह आप चिकन का जो जूस होता है, चिकन बॉईल करने के बाद जो वाटर रहता है वो भी आप यूज कर सकते हैं। अभी इस पानी को हम गर्म कर लेंगे और उसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा सॉल्ट। मैं उसके अंदर ऐड कर दूंगी और एक एक करके सारे वेजिटेबल्स को उसके अंदर डाल दूंगी। कैरेट, बीन्स, ग्रीन पीस एंड कॉर्न। फिर अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे इसको और इसको बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे अराउंड 10 मिनट्स के लिए। आफ्टर 10 मिनट्स के बाद ये देखिए, ये कैरेट, बीन्स, पीस, स्वीट कॉर्न सब कुछ अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। ये देखिए, ये सॉफ्ट हो चुका है। अभी एक एक करके ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैं यूज़ करूँगी। अभी इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर। आप जितना खाना पसंद करते हैं उतना आप ऐड कर सकते हैं। अभी इसके अंदर हम डालेंगे वो डार्क सोया सॉस। मैं एक बड़ा स्पून डार्क सोया सॉस डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने 1 लीटर वाटर यूज़ किया है, तो आप 1 स्पून डार्क सोया सॉस डालेंगे वो काफ़ी है। अभी मैं थोड़ा सा उससे ये गर्म पानी उठा के ये कॉर्नस्टार्च को मिला लूँगी और उसके अंदर डाल दूँगी। और एक को भी मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। फिर इसको एक को भी धीरे धीरे करके इस गर्म पानी में अंदर डालूंगी और अच्छी तरह से मिला दूंगी। और ये देखिए, एक ऊपर में वाइट एक ऐसे हो जाएगा। फिर उसके अंदर हम डाल देंगे और थोड़ा सा सॉल्ट। मुझे लग रहा था और थोड़ा सॉल्ट की ज़रूरत है, इसीलिए मैंने डाल दिया है। और इसको मैं फिर से कवर डाल के 10 मिनट्स के लिए बॉयल कर लिया है। ये एकदम अच्छी तरह से पक चुका है। वेजिटेबल तो पहले से ही सॉफ्ट हो चुका था। अभी एक मैं सर्विंग बोल लेके मैं इसको सर्व कर लूँगी। और आप किसी भी रेस्टोरेंट में ये सूप खाने जाए तो आपको ऐसे ही वाइट बोल में आपको ये गर्मा गर्म सूप सर्व कर देगा स्टार्टर में। तो चलिए मैं चलती हूँ, मैं मिलती हूँ किसी और रेसिपी के साथ। आपको ये रेसिपी कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर भेजिएगा, और एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम में फ़ोटो भी आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। बाय।